Assalamu alaikum and welcome to our channel. Viewers, we will talk about today the Henry Ford restaurant located in France, Paris. और ये इनका बादशाह था हेनरी फोर्ड के नाम से, जो 1553 से 1610 तक ज़िंदा रहा. और ये रेस्टोरेंट इसकी जन्मभूमि थी, जो कि इनका एक महल था यहाँ पे, और इसको फिर बाद में रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया. और हमारा ऑफिशियल डिनर था, तो हम यहाँ पे आए और हमने बड़ा एंजॉय किया. तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं साथ साथ. ये हम जनाब पहुंच गए हैं होटल हेनरी फोर्ड. यहाँ पे हमारा ऑफिशियल डिनर है आज, और हम जितने भी ग्रुप के लोग हैं. ये मुबशर जो है ना साहब है, यहाँ पे कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं. ये माजिद साहब है. अब व्यूअर्स, आपको साथ साथ बताते चलें कि यूरोप में या फ्रांस में जहाँ कहीं भी आप नॉन मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम जाते हैं, तो उनके लिए हलाल फूड का बड़ा इशू रहता है, जो कि हमने हर जगह पे फेस किया. लेकिन थैंक्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो होस्ट थे, थैंक्स फॉर देम, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करके हर रेस्टोरेंट में हमारे लिए हलाल फूड अवेलेबल किया. आल दो वो फ्रेंच फ्राइज होते थे या फिश के आइटम्स होते थे, लेकिन फ्रांस में या यूरोप में जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको हलाल डाइट का इशू रहेगा. रादर देन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हर जगह पे हलाल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जैसा कि हमने अचीव किया था. और ला डिफेंस में हमें एक हलाल टर्किश रेस्टोरेंट मिला था, जिसके बारे में एक व्लॉग में हम उसका जिक्र करेंगे, जिसके खाने बहुत ही लजीज थे, हलाल थे, और हमने बहुत इंजॉय किया. Thank you.